बैंगन का भरता। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है और बिना कोई ओकेजन देखे इसे एंजॉय किया जा सकता है। हम इसे लिट्टी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ या कोई भी चीज़ हो जो व्यंजन के तौर पर खाई जा सकती है, हम बैंगन के भरते को उसके साथ रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बैंगन का भरता कैसे बनाया जाए। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने लिए हैं दो बड़े बड़े बैंगन, 5 से 6 हरी मिर्च, 3 टमाटर, 1 लहसुन और 2 बड़े प्याज। बैंगन का भरता तैयार करने के लिए पहले हम प्याज कट करेंगे, लहसुन को छील लेंगे, टमाटर को भी बारीक काट लेंगे। ये देखिए टमाटर हमारा कट के तैयार हो गया है, प्याज भी बारीक कट कर लिया गया है, लहसुन हमने छील लिया है और मिर्ची तैयार है पीसने के लिए। पहले हम बैंगन पे थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लेंगे, फिर ऑयल की चारों तरफ से मालिश करेंगे ताकि जब हम इसको भुनेंगे तो फिर हमारी बैंगन की स्किन अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगी। जब तक हम बैंगन को भूनेंगे तब तक हमने मिर्ची, लहसुन, 1 प्याज और 1 टमाटर को पीस के उसका प्योरी तैयार कर लिया है। सबसे पहले गैस ऑन कर लीजिए। बैंगन को भूनने के लिए पहले हम इस पे ये छलनी रख देंगे और उसके बाद एक एक करके बैंगन को भूनेंगे। आप चाहें तो आँच को स्लो भी रख सकते हैं। जब बैंगन को भुना जा रहा है तो बीच बीच में बैंगन में ऐसे चाकू चला दीजिए ताकि बैंगन आसानी से पकेगा। हम एक दूसरा बर्नर भी ऑन कर लेंगे, उस पे एक दूसरी कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इस तेल को गरम होने दीजिए। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। चम्मच को हिलाते हुए प्याज को सुनहरा होने तक भून लीजिए। एक तरफ हमारा प्याज भुन रहा है और दूसरी तरफ हम दूसरे बैंगन की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। प्याज का रंग एकदम पलट गया है, सुनहरा हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल दीजिए। एक तरफ हमारा प्याज और टमाटर लगभग भून के तैयार है और इधर दूसरा बैंगन भी भुना जा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्योरी। जब तक कि प्योरी पक के तैयार होगी हम इस बैंगन को आँच बंद करके उतार लेंगे और ठंडा करेंगे। दोनों बैंगन इस बर्तन में आ गए हैं, अब हम इनको ठंडा करते हुए छील लेंगे। ये देखिए बैंगन का हमने छिलका उतार लिया है, अब हम इसको बारीक चॉप करेंगे। चॉपिंग बहुत ही साधारण है, आप रफली कर लीजिए क्योंकि बाकी सारा काम तो कढ़ाई में हमारी बड़ी चम्मच ही करेगी। बैंगन अच्छे से चॉप किया हुआ अब हम अपनी प्योरी में डाल देंगे। हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा हल्दी का तड़का, जरा सी काली मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, रंग देने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची और स्वादानुसार नमक। बैंगन का भरता जब तैयार करते हैं तो उसे कृपया कांच से जरूर ढक दें, नहीं तो ये लगातार छींट मारता रहेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 3 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है, आइए देखते हैं। ये देखिए बैंगन का भरता हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। भरता तैयार होके बर्तन में आ गया है,